सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। एंड टुडे वी गोना डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर वॉइस। टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज वॉइस, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ वॉइस एंड हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दैट वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव। दीज कैंड ऑफ डिस्कशन विल बी देयर इन टुडेज वीडियो। आफ्टर दैट व्हेन आई विल अपलोड सम मोर सेशंस ऑफ वॉइस, दे आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ वॉइस सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉइस एंड यू मे क्विकली अटेम्प्ट और इजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ वॉइस इन योर मेंस एग्जामिनेशन। दिस इज द बेनिफिशियल वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी मेंस के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और 20 से 25 क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, चाहे सीपीओ मेंस की बात हम करें या एसएससी मेंस की बात करें, सीजीएल मेंस की बात जिसकी मैं कर रहा हूं, उनमें ये क्वेश्चंस 20 से 25 क्वेश्चन पूछते हैं। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि डिस्कस करेंगे हम वॉइस के प्रकार क्या है, वॉइस किसे कहते हैं, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, किस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं, तमाम डिस्कशन होंगे। आगे के जो वीडियोज में अपलोड करूंगा उन सब में आपको मिलेगा वॉइस के क्वेश्चन संबंधी एक्सरसाइजेज ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप बहुत आसानी से और चुटकियों में हल कर पाए। शुरू करते हैं आज का सेशन वॉइस। जैसा कि मैंने लिखा है, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। और देखिए, हिंदी जब ग्रामर की हम बात करते हैं और इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो दोनों में अलग अलग टाइप्स होते हैं। हिंदी ग्रामर में तीन प्रकार के वॉइस संभव है, जिसमें एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव जो कि कॉमन है, इंग्लिश में भी होता है, और एक एक्स्ट्रा प्रकार होता है इम्पर्सनल, जिसे हम कहते हैं भाववाच्य, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। रिपीट कर दूं मैं, हिंदी ग्रामर में तीन तरह के वॉइस होते हैं दोस्तों, एक होता है कृत्यवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। और इंग्लिश लैंग्वेज में जब जाते हैं तो यहाँ पे दो टाइप आपको जनरली देखने को मिलते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव। मींस इसमें से जो एक प्रकार हम करते हैं, दो प्रकार हमने डिवाइड किया, एक प्रकार होता है एक्टिव और दूसरा प्रकार होता है पैसिव। जो एक्टिव वॉइस है इसे हम कहते हैं कृत्यवाच्य, जबकि पैसिव है इसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। इस प्रकार से दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है इंग्लिश में वॉइस। और वॉइस जनरली किसी भी सेंटेंस में या किसी भाषा में बोलने की जो शैली होती है, हमारा स्टाइल होता है, जो विधा होता है, जो जोनर होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वॉइस कौन सा है। तो देखिए, इसमें एक्टिव वॉइस जो होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कर्ता मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ आपको प्रोमिनेंस देखने को मिलता है, प्रोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट मीन्स यहाँ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि यहां आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है, प्रोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहां पे मुख्य पार्ट है सब्जेक्ट, जबकि यहां मुख्य पार्ट है ऑब्जेक्ट। और एक और खास बात बताऊं आपको कि यहां हमेशा आप याद रखिएगा कि बी प्लस वी थ्री की अगर बात करते हैं हम, तो ये पार्ट यहां नहीं मिलता है, जबकि बी प्लस वी थ्री यहां आपको देखने को मिलता है। B प्लस वी थ्री, बी का मतलब आपको पता होगा इज एम आर वॉज वर बी बीन बींग, ये सब चीजें कहलाती हैं B की फैमिली। और B की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म की अगर बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं V थ्री को, ये जो पार्ट है वो एक्टिव वॉइस में नहीं मिलेगा लेकिन पैसिव में मिलेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, दो प्रकार के वॉइसेज होते हैं, जिनमें से एक होता है ट्रू वॉइस और एक होता है स्यूडो वॉइस। मैं थोड़ा डिफरेंट बता रहा हूं लेकिन आप समझिए, वास्तव में बेस आपका क्लियर होता जाएगा। एक होता है ट्रू वॉइस और एक जो प्रकार बताया मैंने वो होता है स्यूडो वॉइस। स्यूडो का मतलब पता है, स्यूडो का मतलब होता है छदम या नकली या फिर झूठा। मींस आपको एक तो वास्तविक वॉइस मिलेगा और एक आपको उसकी नकल मिलेगी, मींस आपको बिल्कुल नकली प्रकार का वॉइस देखने को मिलेगा। जो ट्रू वॉइस होता है उस वॉइस में आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है सेंटेंस, मींस ट्रू वॉइस में आपको बी प्लस वी थ्री मिलेगा, जैसा कि मैंने कहा कि वॉइस में बी प्लस वी थ्री मिलता है, लेकिन स्यूडो वॉइस में बी प्लस वी थ्री आपको नहीं मिलता है, बल्कि आपको मिलते हैं हैव और गेट। हैव और गेट का प्रयोग जनरली हम करते हैं कब कब प्रयोग करते हैं, जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की। जनरली ऐसे दो वर्ब्स हैं जिन्हें हम कॉजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, हैव और गेट को। जब हैव और गेट के साथ वी थ्री मिलता है तो यहाँ ये बी के रूप ना होकर भी वी थ्री लेकर पैसिव वॉइस बना देते हैं, जबकि यहाँ जो है ट्रू वॉइस वहाँ पर बी प्लस वी थ्री आपको मिलता है। ये मैंने इसलिए बताया कि कल को आप कन्फ्यूज हो जाए कोई ऐसा सेंटेंस देख कर कि ये तो वॉइस नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, जैसे कहा जाए ही हैड हिज कार स्टोलन, अब आप कहेंगे कि यहां पे वॉइस
जो है वो पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बी प्लस वी थ्री नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ही हैड स्टार कार स्टोलन, मतलब उसकी कार चुरा ली गई है, तो यहाँ पे स्टोलन और हैड के साथ आपको दिया हुआ है, स्पोकन में यूज होने वाला टर्म है, कॉजेटिव वर्ब और ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। ओके तो ये स्यूडो वॉइस भी हो सकता है, ट्रू वॉइस भी हो सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको करूं कि किस प्रकार से आप वॉइस की मींस क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर वॉइस चेंज करना संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सात प्रकार के क्लास पैटर्न्स होते हैं सेंटेंस में। क्लास का मतलब जिसे हम कहते हैं उपवाक्य, उपवाक्य को बोलते हैं क्लास, तो क्लास सी एल ए यू एस ई। जनरली जो क्लास होते हैं वो सेवन टाइप्स के क्लास पैटर्न संभव हैं। उपवाक्य की बात कर रहा हूं, या तो क्लास पैटर्न होता है एस वी मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब, या फिर होता है एस वी ए सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब, या फिर होता है एस वी सी सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, या फिर होता है एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, या फिर हो सकता है एस वी ओ ए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, या फिर होता है एस वी ओ सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, और या फिर हो सकता है एस वी ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सात प्रकार के क्लास पैटर्न संभव होते हैं किसी भी सेंटेंस को जब हम फ्रेम करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन आप देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा बताऊंगा कि वास्तव में वॉइस किस चीज़ का बनता है। देखिए सात प्रकार के पैटर्न हुए, सब्जेक्ट एंड वर्ब। आप याद रखिएगा मैं किसके लिए रहा हूँ, वी का मतलब यहाँ पे वर्ब है, एस का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है। जबकि इस वाक्य में सब्जेक्ट है वर्ब है तो नया टर्म हमने यूज किया है एडवर्ब, इसमें एक नया टर्म यूज किया है कॉम्प्लीमेंट, यहां नया टर्म कुछ नहीं है, एस मीन्स ऑब्जेक्ट है ये पता है आपको, यहां पे हमने सारे वही टर्म्स यूज किए हैं जो आते हैं, और आई का मतलब यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहां ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कई बार आपने देखा होगा डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से डिवाइडेड है। इन सात पैटर्न में से जब तक आपको ये पैटर्न्स नहीं मिलते हैं ये चार, तब तक आप वॉइस की कल्पना ना करें, तब तक आप एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। मीन्स आपको जो उपयुक्त फॉर्म्स चाहिए, जनरली बता रहा हूँ मैं आपको, अपवाद संभव हो सकते हैं, जनरली जब आपको चाहिए होता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर जगह उपस्थित है देखिए, और ऑब्जेक्ट के बगैर आप वॉइस की कल्पना नहीं करें, क्योंकि मैंने कहा पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य का मतलब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी में ऑब्जेक्ट की उपस्थिति है, इस कारण से इन सभी पैटर्न का वॉइस आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, केवल एडवर्ब या कॉम्प्लीमेंट है, तो आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सेवन पैटर्न्स हैं, क्लास आपको इन सात पैटर्न्स में मिलता है जनरली, और इन पैटर्न्स के आधार पर हम केवल वॉइस जब बनाते हैं तो इन चार का ही बना सकते हैं, अन्यथा हम वॉइस नहीं बना सकते हैं। ओके अब देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, कैन टुक द फोटोग्राफ, मैं आपको बता रहा हूं कि वॉइस का कैसे आप भेद करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कौन सा वॉइस है। एक मैं कहता हूं दोज हाउसेज वर बिल्ट बाय जॉन वॉल्टन। ओके, केन टुक द फोटोग्राफ एंड दोज हाउसेज वर बिल्ट बाय जॉन वॉल्टन, टू सेंटेंसेज आर देयर वेर यू कैन सी दैट केन जो दे रखा है वर्ड वो यहां का एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है लेकिन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। आपको वॉइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एजेंट निकालना है, ये एजेंट नहीं है, ये यहां पे एजेंट है लेकिन अगले वाले वाक्य में आपको शुरू में एजेंट नहीं मिलेगा, तो ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत इससे हुआ है और इसी के बारे में पूरे सेंटेंस में बात की गई है, तो ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसी के साथ साथ ये एजेंट भी है क्योंकि काम करने वाला यही है। ओके, टुक है वो जो यहाँ पे वर्ब है, जबकि द फोटोग्राफ है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जबकि इसकी हम बात करें तो इस सेंटेंस में दोज हाउसेज है वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। वर्ब बिल्ट है ये यहाँ पे वर्ब है, और ये वाला है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ, प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ में आपको एजेंट दिया हुआ है,
प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ एजेंट, एजेंट काम करने वाला, तो एजेंट जो है वो यहां पे जॉन वॉल्टन है, जबकि पहले वाले सेंटेंस में जो एजेंट है वो कौन है, वो है कैन। ओके, तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट डिफरेंट टर्म है जो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, जिससे शुरू होता है, जिसके विषय में आप बात करते हैं वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। लेकिन डूअर या एजेंट जो काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं डूअर या एजेंट। तो एजेंट यहां पे है वो कैन है, लेकिन यहां पे एजेंट जो है वो चेंज होके और चला गया राइट हैंड साइड और बना जॉन वॉल्टन। तो एजेंट जो है वो काम करता है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जो स्टार्ट में आता है जिसके विषय में बात की जाती है, और एक बसता है वर्ब। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हु डज व्हाट, इसे हम कहते हैं वॉइस। हु डज व्हाट, हु मींस काम करने वाला करता, डज मींस वर्ब, ये सब्जेक्ट हुआ ये वर्ब हुआ, और व्हाट मींस क्या काम करता है वो ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करना होता है, जब स्ट्रक्चर दिया होता है इसी तरीके से तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और जब स्ट्रक्चर चेंज करके हम व्हाट पहले लेके आ जाते हैं, या एक और प्रश्न बन सकता है, हुम बन सकता है जो पहले लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। तो इसीलिए जब बेसिक स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं किसी भी वॉइस का, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम अगर नंबर दें इसे तो ये नंबर वन, ये नंबर टू और ये नंबर थ्री। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस आप एजेंट को सब्जेक्ट माने यहां पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात वही है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो एजेंट मान लीजिए, डूअर मान लीजिए, दैट विल बी बेटर, डूअर भी कह सकते हैं काम करने वाला। यहां मैं कहूं कि ये थ्री नंबर है, ये टू है, ये वन है। देखिए वन सब्जेक्ट या एजेंट, तो मैंने इसी को दिया है, वर्ब को हमने दो नंबर दिया था, ऑब्जेक्ट को हमने तीन नंबर दिया। तो इस प्रकार से देखिए वन टू थ्री को थ्री टू वन में कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और थ्री टू वन से वापस वन टू थ्री में लेके जाना वो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये हम तमाम चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब अपलोड करूंगा कुछ और वीडियो जिसके एक्सरसाइज संबंधी, तो वहां हम देखेंगे कैसे वन टू थ्री को थ्री टू वन में कन्वर्ट करना है, कैसे थ्री टू वन को वन टू थ्री में कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम क्या कहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव बनाते हैं, मींस ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी होता है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जितनी पैसिवाइज्ड फॉर्म है, मैं पैसिवाइज्ड फॉर्म किसको बोल रहा हूं, पैसिवाइज्ड फॉर्म मतलब जब पैसिव में बन चुकी हैं, तो वो निश्चित रूप से वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेकिन जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो हमेशा पैसिवाइज्ड फॉर्म में हो, ये जरूरी नहीं है। ये जो सीक्वेंस है ये पैसिवाइज्ड फॉर्म में बन जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। ये हमेशा इक्वल नहीं होता, ये हमेशा इक्वल होता है। मींस कभी पैसिव आपने बनाया है तो उसका वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन अगर पैसिव मींस अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका हमेशा पैसिव होना जरूरी नहीं है। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूं आई हैव ए कार। अब अगर आप यहां पे देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, जबकि इसका पैसिव जब बनाएंगे तो ये पैसिव इसका नहीं बनेगा। जबकि मैं कहता हूं इस प्रकार से ही ओन्स अ बिग हाउस, या फिर मैं कहता हूं ही हैज अ कॉल्ड। तो यहां पे इनका पैसिव, यहां पे हैज है वो एक्सपीरियंसिंग है, यहां पे हैव है जो पजेसिव है, हैव जो हैज और हैव, यहां पे भी आप हैव ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आई हैव ए कोल्ड, ठीक समझ में आएगा आप अच्छे से, आई हैव ए कोल्ड। हैव के दो प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, तो एक्सपीरियंसिंग हैव होता है जो अनुभव करने का काम करवाता है, और एक हैव होता है पजेसिव जिसका मतलब होता है रखना। ओके, जैसे आई हैव ए कार मीन्स मेरे पास कार है तो मैं कार रखता हूं। आई हैव ए फीवर, तो यहां पे क्या मतलब हुआ कि मुझे बुखार है, तो वहां पे क्या, वहां पे आपको इसका मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, रखते नहीं है, तो एक्सपीरियंसिंग हैव हो सकता है, पजेसिव हो सकता है। का देखिए आप कहोगे तो यहां ट्रांजिटिव वर्ब तो है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब का इसमें ऑब्जेक्ट हो, सहकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनका पैसिव नहीं बनेगा। तो ये कुछ क्रियाएं हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, आप देखते रहिएगा उन चीजों को। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम कहते हैं पैसिव कांस्टेंट। मैं एक बेसिक आपको आउटलाइन दे रहा हूं कि वॉइस वास्तव में कैसे एंटर करना है आपको। वॉइस कांस्टेंट होता है, वॉइस कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि वॉइस आपको चेंज नहीं करना है। मीन्स अगर पैसिव में है तो पैसिव में ही रहेगा, वो एक्टिव नहीं बन सकता। जैसे मैं कह दूं मान लीजिए जैसे कहा कि गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, जैसे मैंने ये कह दिया। अब वॉज बॉर्न है, ये बी प्लस वी थ्री तो है, मीन्स इसका एक्टिव वॉइस संभव होना चाहिए, लेकिन इसका एक्टिव नहीं बनेगा। मीन्स अगर आप ये कहो कि मदर बोर
गांधी जी, ये पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये केवल पैसिव वॉइस में ही है। ऐसे इसी प्रकार से पॉपुलेटेड जो वर्ब होती है उसका भी आप एक्टिव में कन्वर्जन नहीं कर सकते। डीम्ड वर्ब होती है, डी डबल ई एम ई डी, मैं कुछ और बता रहा हूँ वर्ब्स। पॉपुलेटेड है, इसका आप एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं होता, डीम्ड का एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं होता। टेकन अबैक मीन्स आश्चर्यचकित रह जाना, इसका एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं होता। ये कुछ क्रियाएं हैं जिनको आप एक्टिव में नहीं ले जा सकते, केवल पैसिव में ही रहती हैं। ओके, तो ये तमाम चीजें मैंने इसलिए बताई आपको कि वॉइस कितना आकर्षक हो सकता है, वॉइस को कितना आसान कर सकते हैं, वॉइस कितना कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वॉइस बनता किसका है वो हमने जाना कि वॉइस उसी का बनेगा जहां ऑब्जेक्ट होगा। ओके, एक्टिव से पैसिव में लेके जाना है, पैसिव से एक्टिव में लेके जाना है। पहचान कैसे करनी है बताया मैंने आपको कि B प्लस V3, एक याद रखिएगा, B प्लस V3, वेर एवर यू फाइंड यू कैन कंसीडर द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस। वेर एवर यू डू नॉट फाइंड B प्लस V3 मीन्स यू कैन अज्यूम द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ये बताया मैंने आपको। साथ ही आप याद रखिएगा कि आपको वॉइस का पता लगाना है तो वो केवल और केवल वर्ब के द्वारा पता लगाएं। आप कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाई प्लस कुछ देख के बता देते हैं कि पैसिव वॉइस है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आई शैल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, अब अगर बाई को देख के बनाएंगे तो ये पैसिव नहीं बना। इसलिए याद रखिएगा कि वॉइस पता लगाने के लिए आप पैसिव वॉइस का वाक्य है इसके लिए वर्ब को देखें, हमेशा वर्ब को पता लगाएं कि वॉइस कौन सा है, वो सबसे सटीक वे है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशंस में दोस्तों मैं बात करना शुरू कर दूंगा वॉइस की, बिल्कुल पैटर्न वाइज, बिल्कुल तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, जितने भी टाइप्स पॉसिबल होंगे, जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आउटलाइन बन जाए दिमाग में, आप अच्छे से पता लगा पाएं कि वॉइस वास्तव में होता क्या है, कैसे सोल्व करना, कितना जल्दी सोल्व करें, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होगा, उन कम समय में सोल्व करना इंपॉर्टेंट है वॉइस। उसके बाद में नरेशन भी मैं अपलोड करूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स a lot.